का दो एडवांस रूप भी होता है ना, उस रूप के बारे में अब हम लोग जानेंगे। लिख लिए? लिखे? यस सर। ठीक, जिसमें फर्स्ट लिखेंगे रिकर्सन, और सेकंड में लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, रिकर्सन एंड कॉल बाय रेफरेंस ये दो एडवांस फीचर है, मतलब कि ये दो किसी फंक्शन का अलग विशेष तरह का लक्षण भी है जो अब हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला लिखेंगे रिकर्सन। क्या बोले सर? पहला में लिखेंगे रिकर्सन, लिख लिए? यस सर, लिख लिए। इसमें लिखेंगे समथिंग व्हिच कॉल्स इटसेल्फ, समथिंग व्हिच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव, and this method is called, method ne likhe, this incident is called recursion. Ya fir se boliyega. Something which calls itself, is called recursive. And this incident is called recursion. And this incident is called recursion. ठीक है, लिखेंगे फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन and this method is called recursion. And this method is called recursion. Say itself ke baad is called recursive function
एंड दिस मेथड इज कॉल्ड रिकर्सन. ठीक है. अब देखिए, वो सारा चीज दुनिया में जो अपने आप को कॉल करता हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करता हो, वो कहलाता है रिकर्सिव. ठीक है. उसी तरह से फंक्शन भी अपने आप को अगर कॉल करे तो वो फंक्शन कहलाएगा क्या? रिकर्सिव फंक्शन. और एक घटना कहलाती है रिकर्सन. समझे? जैसे देखिए, अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए. ये क्या करेगा? यहां पे ध्यान से देखिए, मेन प्रिंट है ना, राम कर रहा है, और इस वर्ड मेन अपने आप को कॉल कर रहा है. यानी मेन खुद अपने आप को देखिए अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहा है. तो ये फंक्शन मेन जो होगा ना, वो अब हो जाएगा रिकर्सिव. और ये घटना, ये तरीका, ये मेथड कहलाएगा रिकर्सन. समझ गए? मतलब फंक्शन भी अपने आप को कॉल कर सकता है. पहले क्या था? मेन दूसरे फंक्शन को कॉल करता था. जैसे मेन प्रिंटेफ को कॉल कर रहा है, जैसे मेन सम को कॉल किया, जैसे मेन एवरेज को, जैसे मेन ट्रायंगल को, सीरीज को कॉल किया. तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल किया. लेकिन यहाँ पर इस मेथड में पढ़ेंगे कि नहीं, एक फंक्शन अपने आप को भी कॉल कर सकता है. तो जैसे मेन, ये मेन को खुद को कॉल कर रहा है. तो इस तरह से ये हो जाएगा रिकर्सिव फंक्शन. किसी को कोई शक? कोई क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो. यस सर. आ रही सर आवाज? आवाज आ रही है तो क्या आप लोग समझ रहे हैं? यस सर, समझ समझ गए ना. तो मेन सर, मेन अपने आप को फिर से कॉल क्यों करेगा? जैसे करेगा नहीं, ऐसा नहीं कि करेगा, क्यों करेगा, सही बात. लेकिन फंक्शन में ये क्षमता है कि वो कर सकता है ना. जैसे कि आप में या किसी में ये क्षमता नहीं है कि ठीक है कि अगर चाकू मिलेगा तो आप बगल वाले को मर्डर कर दीजिए, कर सकते हैं है ना. तो क्वेश्चन ये है कि आप क्यों करेंगे? ठीक है, आप मत कीजिए, लेकिन आप में क्षमता तो है ना. ठीक, तो हम लोग वही क्षमता पढ़ रहे हैं. मतलब कि अगर वो अपने आप को कॉल करेगा भी, ठीक है, अभी कभी अगर जरूरत करना पड़ा तो आखिर असर क्या आएगा, मतलब प्रोग्राम किस तरह से रन करेगा, है ना, ये हम लोग सीखेंगे. समझ गया ना? ठीक है. तो देखिए, मेन जब अपने आप को कॉल करेगा तो आप खुद सोच करके बताइए थोड़ा सा कि ये आउटपुट में क्या देगा. तो आउटपुट आखिर इसका किस तरह का हो जाएगा, बताइए तो सोच के. सर इनफाइनाइट में चलना चाहिए. हाँ, इनफाइनाइट में चला जाएगा, राम 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 प्रिंट करते हुए. जैसे देखिए, प्रोग्राम जैसे ही मेन के अंदर आएगा, राम को प्रिंट करेगा, फिर मेन को कॉल किया तो फिर ये उछल के चला जाएगा यही मेन पे, फिर राम को प्रिंट करेगा, फिर मेन अपने आप को कॉल करेगा, फिर उछल के यहीं पे. तो राम 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 करते हुए इनफाइनाइट में चला जाए. ठीक है. ठीक, हम चाहते हैं कि इनफाइनाइट में ना जाए, बल्कि इस रिकर्सिव मेथड के थ्रू ही राम को 10 बार प्रिंट करे, है ना. तो हम अगर ऐसे लिखें, एकदम ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है ये लक्षण, बहुत ही गजब का लक्षण है. जैसे आई इक्वल टू 1 लिखे, है ना. अब हम यहाँ पर ऐसे कर दिए कि I इज लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे, और एक ऐसे कर दिए,
आई प्लस प्लस, ठीक है। अब बताइए कि ये राम को कितने बार पिन करेगा, क्या लगता है? 9 टाइम करना चाहिए। 9 टाइम नहीं, 10 10 बार करना चाहिए। देखने से लगता है कि 10 10 टाइम्स है ना, लेकिन ये करेगा नहीं, फिर ये इनफिनाइट में चला जाएगा, है ना। अब देखिए क्यों चला जाएगा, तो देखिए होता क्या है कि इंटीजर आई इक्वल टू 1 लिखे जब मेन कॉल करेगा तो आई 1 इज लेस देन 10, राम को प्रिंट किया, कहने के बाद देखिए फिर मेन को कॉल कर दिया, तो मेन यहां से ऊपर जाएगा, अब फिर आई का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, है ना। तो ये तो 1 को बढ़ने भी नहीं दिया, हम ऐसा करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे, है ना। आई का वैल्यू 1 हो गया, 1 इज लेस देन 10 हो गया, राम को पिंट किया, फिर 2 हो गया, फिर मेन को कॉल किया, लेकिन मेन को जैसे ही कॉल करेगा तो फिर यहां से स्टार्ट होगा, तो फिर तो 2 के जगह पर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर मेन ऊपर जाएगा, तो फिर ये आई का वैल्यू 1 कर देगा, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 हो ही नहीं पाएगा, ये हमेशा आई का वैल्यू 1 करते रहेगा, जिससे कि फिर इन्फिनाइट में चला जाएगा, है ना, सही बात। सर सही है, सही है ना। किसी और स्टूडेंट का, अगर सर आई को हम फंक्शन से पहले ही डिक्लेयर कर दे तो? हाँ, अगर हम आई को, ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में बताए थे कि फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल रखते हैं तो लोकल होता है, और फंक्शन के बाहर रखते हैं तो ग्लोबल होता है। तो इसको, है ना, इस इनफाइनाइट से बचना है तो आप इसको ग्लोबल बना दीजिए, ऐसे इक्वल टू 1। अब अगर ऐसा करेंगे तो ये आसानी से, ठीक है, राम को 10 बार प्रिंट कर देगा, यूजर स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे 10 बार राम आ रहा है, यस सर, हाँ ना, ठीक है। लेकिन क्या इसमें लूप चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या इसमें गो टू इस्तेमाल किए? नहीं किए। तो फिर ये हो कैसे गया? तो एक्चुअली में फंक्शन खुद अपने को कॉल कर लिया, जिससे कि एक तरह से लूप चल गया, और इस तरह से आप राम को 10 बार प्रिंट करा दिए। लेकिन ये मेथड कहलाएगा रिकर्सिव मेथड, है ना, और ये फंक्शन भी रिकर्सिव कहलाएगा, मतलब मेन अब हो गया रिकर्सिव फंक्शन। अब समझे रिकर्सिव? यस सर, रिकर्सिव समझे तो इसको हम एग्जांपल के रूप में नोट करेंगे। नोट कर लिए सर? कुमुद ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मैसेज कर रहा है। कुमुद क्यों ज्वाइन करेगा? कुमुद तो भाग गया है, तो अभी ने बोला था क्लास नहीं करेंगे। सर कुमुद नहीं, धूपनाथ महतो कहा था कि क्लास नहीं करेंगे। बाप रे, धूपनाथ कुमुद होने के, ठीक, देखते हैं कहीं ज्वाइन कर पा रहा है वो। ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है, ठीक हूँ, नोट कर रहा हूँ। अरे कौन है फिर कुमुद है क्या? तो कुमुद को तो एडमिट कर ही रहे हैं, तो फिर बाबा का मैसेज दे रहा नहीं, ये कुमार दिपेश है। अच्छा, ये सब नोट कर लिए, ठीक। अब अगर, ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप से हो,
यूजिंग रिकर्सन प्रिंट 1 2 3 से लेके इन तक तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग को अलग फंक्शन एक बनाएंगे रिकर्सिव का, ना कि मेन को। हमेशा याद रखेंगे मेन को रिकर्सिव नहीं बनाएंगे, लेकिन ये भी याद रखेंगे कि मेन भी रिकर्सन बन, मतलब मेन का भी रिकर्सन बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाना नहीं है, क्योंकि मेन और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसे बनाएंगे, प्रिंट है तो वर्ड लेगा सीरीज ऐसे, फिर स्कैनअप कराएंगे, वैल्यू फॉर एन ऐसे स्कैनअप परसेंट बी परसेंट एन ऐसे सीरीज एन ऐसे सीरीज प्रिंट कर देगा। सीरा रसिया लगाए हैं, गेट सी एच पे लगाते हैं, लेकिन ओनियो डॉट एच लगाने के बाद स्क्रीन को होल्ड करेगा ये, ऐसे 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 ठीक है। और फिर सीरीज को कॉल कीजिए, रिकर्सन है ना, ऐसे जिसमें एन को ही पास कीजिए ऐसे। इसके पहले हम लोग कर देते हैं आई प्लस प्लस ऐसे ठीक है, फिर इसको बंद कर दीजिए ऐसे, फिर इसको ये बंद कर दीजिए ऐसे। ये देखिए है ना, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, उसको बड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक एक सीरीज नाम का फंक्शन बनाया जिसमें कोई लूप नहीं चला रहे हैं, बल्कि यही रिकर्सिव फंक्शन है। सीरीज सीरीज को कॉल करेगा, इनका वैल्यू अगर 10 लिमिट जो रखे हुए हैं वही इसका 10 हो जाएगा लिमिट, अब वही लिमिट बार बार जाएगा क्योंकि 10 बदलना नहीं चाहिए क्योंकि लिमिट आखिरी वही है। जैसे देखिए तो इधर क्यों आ रहा है, यहाँ डॉट की जगह डॉट की जगह कॉमा ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 10 लिख रहे हैं, भाग गया 10, इसी तरह से हम उस लिमिट को बढ़ा के 20 कर दिए, देखिए 20 आ रहा है, उस लिमिट को ना घटा के 5 कर दिए तो देखिए 5 आ रहा है ना, यानी कि ये 5 अगर दिए हैं तो ये 5 ही रहेगा कॉन्स्टेंट, बार बार 5 जाएगा 5 जाएगा 5, लेकिन प्रिंट करने वाला जो आई है वो देखिए ग्लोबल है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ग्लोबल जो होता है उसके बारे में लास्ट क्लास में बताए थे, वो उसको ये भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है, ये भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये वाला ग्लोबल यहाँ आया तो 1 प्रिंट किया, फिर हो गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 आई जो लिमिट है ना, वहाँ तक पहुँचेगा, जैसे ही 11 हो जाएगा बढ़ के ईफ काम करना बंद कर देगा, और ईफ के अंदर ही है कॉलिंग, तो सीरीज का भी
कॉलिंग बंद हो जाएगा और इस तरह से आपका प्रोग्राम बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मेन को नहीं बनाएंगे। अगर देखिए मेन को अगर रिकर्सिव बना देते ना तो फिर स्कैनअप बार बार होता है, जब भी मेन कॉल होगा स्कैनअप होगा, मेन कॉल होगा स्कैनअप होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लिमिट तो एक बार दिया जाता है ना, 10 एक बार ना इनपुट करेंगे कि 10 बार बार इनपुट करेंगे नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए अलग फंक्शन को रिकर्सिव बनाना चाहिए, मेन को नहीं। आपको क्वेश्चन है तो पूछिए। सर ऊपर जो int i इक्वल टू 1 किए हैं जो ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं सर, तो इसके मतलब यदि नीचे वाले फंक्शन के अंदर दूसरा एक इंटीजर लेकर के और उसमें i इक्वल टू 2 रख दे तो फिर पहले वो ग्लोबल का देखेगा कि या फिर लोकल का देखेगा? पहले लोकल का देखेगा क्योंकि लोकल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, है ना। लेकिन वेरिएबल का नाम सेम रखेंगे तब, जैसे मान लेते इसी में एक और कर दिया है आई, ऐसे कर दिया, है ना ठीक। अब आई को जब प्रिंट करेंगे ना, यहाँ पर आई को कहीं पर भी प्रिंट करा दीजिएगा तो 10 आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि लोकल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझेंगे कि कोई एक आपका मोहल्ले का गुंडा है, बाप रे बैटरी डाउन, हेलो माही। हाँ सर जो प्रोग्रामिंग का पढ़ा रहा है ना, ये पूरा वो सेंड कर देना, तो ठीक ठीक, हम निकल रहे हैं। कहाँ जा रहा है? ठीक। अरे यार क्लास करने का मन नहीं कर रहा, ऐसे मूड ऑफ हो रहा है। अगला क्लास ज्वाइन करेंगे जैसे प्रोग्रामिंग खत्म होगा ना, मैसेज कर देना। तो कोई मैसेज डाल देना ग्रुप में। सब नया